घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी शायद 50 मीटर भी नहीं है जो आपके पीछे मैं देख पा रही हूं। क्या हाल है आज कोहरे का और ठंड का दिल्ली में? बिल्कुल जासमीन, ये हम लगातार देख रहे थे कि मौसम में बदलाव हो रहा था, लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट ले रही है। और जैसा आपने कहा कि मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाएंगी तो विजिबिलिटी बहुत कम है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो घना कोहरा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते लोगों को ठंड का सितम तो झेलना ही पड़ रहा है, लेकिन आप देख सकती हैं कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है तो लोगों को ट्रैफिक, जो स्लो ट्रैफिक है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक लग रहा है क्योंकि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और येलो अलर्ट जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। और अब ये माना गया है कि कल से लेकर 4 फरवरी तक जो है वो बारिश हो सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज होगी, तो फिर से एक बार जो मौसम है वो पूरी तरीके से करवट लेगा और ठंड का जो सितम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। क्योंकि कल हमने देखा था कि धूप निकल आई थी, कोहरा कम था, विजिबिलिटी ठीक थी, लेकिन आज 50 मीटर भी बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं विजिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं, मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो स्लो चल रहा है और अब ठंड जो है वो दोबारा से एक बार दस्तक दे रही है। क्योंकि कल के बाद लोगों को ऐसा लगा था कि धीरे धीरे जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, अब धीरे धीरे जो ठंड का सितम है वो कम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 4 फरवरी तक जो है वो बूंदाबांदी होगी, कई जिलों में जो है वो कोहरे का अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट जो है वो साफ तौर पर जारी है, तो जिस तरीके से बारिश होगी उसके बाद तापमान में गिरावट होगी। मैं आपको बता दूं कि अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 21 से 27 तक बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और गिरावट जो है उसमें हो सकती है। तो साफ तौर पर अगर गिरावट होगी तो जो ठंड का सितम है वो दोबारा से जारी हो जाएगा और लोगों को सिर्फ कोहरे ठंड से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक में जो है वो फंसना पड़ रहा है, जिसके चलते पूरी तरीके से जो दिक्कतों का सामना है उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फरा, और इसका असर यातायात पर किस तरह से पड़ा है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच लाहौल स्पीति का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रेमलाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, हालांकि आज आपके पीछे मैं धूप खिली हुई देख पा रही हूं, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बर्फ